हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल। तो की हाल चाल है आप सभी के? तो भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने झूठ पकड़ने वाली मशीन ऑर्डर किया है, लेकिन भाई वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल भाई डेट था डिलीवरी का, लेकिन कल भी अपनी मशीन नहीं आया भाई। ये भगवान, क्या जुलुम है ये। देखो भाई, अभी डेट आगे बढ़ गया है, 7 से 12 अक्टूबर बता रहा है कि इसके बीच में आपका झूठ पकड़ने वाला मशीन आएगा। भाई आज एक महीना हो गया, एक महीना पहले मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन पे, लेकिन भाई अभी तक आया ही नहीं। अब डेट भाई 4 दिन और बढ़ गया है, बोला 7 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में आपकी मशीन आ जाएगी। मुझे पता है आप लोग को भी बेसब्री से इंतजार है, उतना ही बेसब्री से मुझे भी इंतजार है भाई कि जल्दी से आए, सबके ऊपर टेस्ट करें और सबका झूठ पकड़े। लेकिन क्या बोले भाई, आ ही नहीं रहा मशीन। लगता अपने मशीन को भाई नजर लग गया किसी का। बात तो सही है भाई, मैंने पेमेंट भी पहले ही कर दिया हुआ है भाई। अब देखो भाई, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल परसों, मतलब 12 तारीख तक अपनी झूठ पकड़ने वाली मशीन आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें भाई। यहाँ पे देखो भाई साहब, जीशान भी बहुत ज्यादा परेशान, अपनी झूठ पकड़ने वाली मशीन आई नहीं रही भाई। बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है, एक महीने से हम लोग ऑर्डर किए, क्या क्या सोचे सबका झूठ पकड़ेंगे, और क्वेश्चन भी मैं रेडी करके रखा हूँ, क्या क्या पूछेंगे, अभी कितना टाइम लगेगा पता ही नहीं है। और बहुत जल्दी मैं और जीशान एक खतरनाक चैलेंज करने वाले भाई, बाथरूम चैलेंज करेंगे। उसमें मैं और जीशान 24 घंटे के लिए बैठेंगे भाई, देखेंगे रह पाएंगे कि नहीं 24 घंटे के लिए बाथरूम में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो चाचू, बाथरूम चैलेंज बहुत खतरनाक है, मजा आएगा उसको करने में। तो पता है जीशान, इसी बाथरूम में हम लोग रहेंगे 24 घंटे के लिए। हाँ, उसी में खाना वाना सब खाएंगे, वहीं पे निकाल भी देंगे भाई। कमेंट सेक्शन में सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये वाला चैलेंज करो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो भाई बहुत जल्दी हम लोग ये वाला चैलेंज करने वाले हैं। मैं क्या बोलता हूँ चाचू, बाथरूम वाले चैलेंज से पहले कब्रिस्तान वाले चैलेंज करते हैं, उसमें मजा आएगा, फुल नाइट रहेंगे हम लोग। ये बता, रात में कब्रिस्तान में जाएगा डर नहीं लगेगा? मैं भूत, उससे मैं नहीं डरता, लाश मारूंगा उधर जाएगा भूत। अच्छा बेटा, जब जाओगे तब पता चलेगा भाई। इस बीच में हमारे पास बहुत खतरनाक आइडियाज है भाई चैलेंज करने के। तो भाई एक एक करके खतरनाक चैलेंज हम लोग करेंगे, बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही प्यार एंड सपोर्ट बना के रखो भाई। गाइस आप लोग भूलना मत, फैसल भाई का 21 तारीख को बर्थडे है, तो भूलना मत, एकदम धमाल करने वाले हैं हम लोग, और फैसल भाई के साथ बर्थडे में एक खतरनाक प्रैंक करेंगे हम लोग। आपके बेटे का बर्थडे 21 तारीख को, क्या प्लानिंग है? बहुत ज्यादा प्लानिंग है। इस बार कौन सा केक आएगा देखो, जो लाएंगे हम लोग तो टट्टी वाला केक लाएंगे। अब आज घोस्ट प्रैंक वाला वीडियो देखे थे कि नहीं? बिल्कुल, सुबह 8 बजे देखा। हाँ, और बहुत जबरदस्त था प्रैंक, भूत ने तो कमाल ही कर दिया एकदम। कितने लोग गिर गए, कितने लोग भागने लगे यानी जबरदस्त ऐसे ही खतरनाक जो है प्रैंक बनाया करो भूत वाला, ताकि लोगों को देखने में इंटरेस्ट मिले और व्यूज भी ज्यादा से ज्यादा आए। भाई अब्बा को ना इसी टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं, जिसमें भाई को खतरनाक चीज किए रहो या तड़कता भड़कता मिर्च मसाला लगा के वीडियो बना रहे भाई। तो भूत वाला प्रैंक हम लोगों ने बहुत खतरनाक लोगों के साथ किया था भाई, पब्लिक में फर्स्ट टाइम ऐसा प्रैंक किए थे हम लोग। आइए देखो, हम लोग को यूट्यूब पे एक वीडियो मिला है भाई। भाई मुर्गे को ना शूज पहना के लोग घुमा रहे हैं। जीशान हम लोग भी ये ट्राई करें? हमारे घर पे ना बहुत सारी मुर्गा मुर्गियां हैं, उन लोग पे ट्राई करते हैं, उन लोग को शूज पहना के घुमाते हैं भाई, देखते हैं कैसा लगेगा। जीशान ये जूता मुर्गे को पहना दे। सबसे पहले मुर्गे को पकड़ना पड़ेगा, भागता है वो, काटता भी है, जाओ। मैं नहीं पकड़ूंगा। तो फाइनली मुर्गा हाथ में आ चुका है, अभी हम लोग पहनाने जा रहे हैं। आएगा इसको? बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इतना खतरनाक भाग रहा था ना कि जूता उसके पैर से निकल गया।
एक्चुअली हमारे मुर्गे के पैर में थोड़ा चोट लग रहा है तो मुर्गी को पकड़ के लाते हैं उसको पकड़ना है। हाँ जी सर। ये देखो मुर्गी को पहना दिए भाई, पूरा पसीने से भीग गया मैं यार, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही। भाई ये जूता थोड़ा सा बड़ा है ना, लोग के पैर से बार बार निकल जा रहा है भाई, छोटा जूता लाएंगे तब मजा आएगा भाई। इतना मजा आ रहा था ना, मुर्गे लोग जूता पहन के चल रहे थे कि क्या बताओ, लेकिन जूता बड़ा होने का भाई ना पैर से निकल जा रहा बार बार। आज वो अगली बार ना इन लोग को कपड़ा पहना देंगे, चड्ढा और टी शर्ट, मजा आएगा, चश्मा वश्मा सब लगा देंगे। बात तो सही है भाई, ये वाला आइडिया ना हमको रील से मिला था भाई, रील पे कोई पहना के लोग को घुमा रहा था, बहुत बढ़िया चल रहे थे ये लोग। जब से स्कूल से आया तब से सो रहा है भाई, ड्रेस पहन के सो रहा। और भाई साहब अभी जस्ट मैंने और जीशान ने एक रील शूट किया, बहुत फनी भाई, तो उसको अगर आप लोगों को देखना तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं nbblog07, बहुत ही फनी रील है भाई, तो आपको वो इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। जो जो चाचू को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा उसको मिलेगी 1,00,000 रुपए। चल छुट्टी जीशान, आज फुल नाइट हम लोग कब्रिस्तान में रहेंगे। हाँ अभी रात को जाएंगे। हाँ चाचू चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। और फोन में जानते हो मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया जिससे पता चल जाता है अगर भूत आसपास रहेगा तो। हाँ नहीं मैं नहीं मानता। फिलहाल शाम के 7 बज रहे भाई, रात के 10, 11, 12 बजे तक हम लोग जाएंगे कब्रिस्तान में, और फिर उसके बाद में फुल नाइट रहेंगे उधर भाई, तो इंतजार करते हैं अभी रात जब हो जाएगी तब जाएंगे भाई उधर। फिलहाल भाई साहब ये देखो रात के भाई 11:16 हो रहे हैं और भाई हम लोग ना रेडी हो चुके हैं कब्रिस्तान जाने के लिए भाई, आज पूरा नाइट हम लोग कब्रिस्तान में हैं। ये देखो भाई हमने टॉर्च वगैरह भी ले लिया है, एक बेसबॉल बैट ले लिया है, चटाई ले लिया है बैठने उठने के लिए, और एक लाइट और ले लिया है, तो हम 4 जन जा रहे भाई। भाई मुझे तो डर लग रहा है अभी से, तुम बहुत भयानक डर लग रहा है भाई। अरे यार यहीं डरोगे तो जाएंगे कैसे, कब्रिस्तान में कैसे रहेंगे, हाथ पैर से रहेंगे, मुझे नहीं डर लगता। अभी वहाँ चलो, सबसे ज्यादा भी यही डरेगा वहाँ, चलो अभी पता चलेगा वहाँ पे, चले। तब ये देखो कब्रिस्तान को भाई यही वाला रास्ता जाता भाई, हम कार से इसलिए नहीं आए क्योंकि कार यहाँ जाएगा नहीं, चले चला जाए कि ना चला जाए। मुझे तो डर लग रहा है भाई। तुम इतना डर क्यों रहे हो यार, अभी से डरोगे तो रुकोगे कैसे उधर, बहुत खतरनाक जगह है। चलिए भाई गाड़ी आ रहा है कोई, इधर से भी गाड़ी उधर से भी गाड़ी। भाई दो दो गाड़ी एक साथ आ गई। भाई ये देखो अभी गिरते गिरते बचे बाइक से, भाई पूरी बाइक फिसल गई अचानक से यार यहीं पे। चलो यहीं बाइक रहने देते हैं। भाई ये देखो पूरा कबर ही कबर है इधर भाई, ये पूरा कब्रिस्तान है भाई।
ए यहाँ मत जाओ ना। हाँ उधर रहो ना, क्यों इधर जा रहे हो? तो उधर नहीं जाओ ना, इधर चलो, इधर चलो, इधर देखो नल भी है भाई। एक चाचू यहाँ पे मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, यहाँ सेफ है ना, यहाँ देखो साफ भी है, यहीं रुकते हैं। चटाई बिछा है यहाँ? मैं क्या बोलता हूँ, वहाँ बिछाते हैं उधर कहीं भाई। इधर पूरा घर पूरा पता नहीं क्या क्या बना हुआ, स्कूल टाइप का, सब खाली है पूरा भाई। भाई फिलहाल हम लोग चटाई वटाई लगा रहे हैं भाई। और ये देखो भाई 12:06 हो गया है भाई हम लोग को, मतलब आए हुए यहाँ 10-15-20 हो गया। ज़्यादा टाइम मत रुकना यहाँ पे, ज़्यादा रात हो गया, 12:30 बजने वाला है। वही तो बोल रहा हूँ, फिलहाल भाई हमने चटाई वटाई लगा लिया भाई, लेट जाते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम। लेट जाओ जी साहब, तुम भी लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट भाई मैं नहीं लेट उठूंगा, कहीं नींद उ जाएगी तो नहीं फिर आएंगे, कहीं आप लोग चले ना जाओ, मैं नहीं आऊंगा। चाचू अभी लेटे थे, देखो अभी थोड़ा पता नहीं क्या आवाज सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया है? हम लोग को तो नहीं आया, नहीं आया है? हुँ? देखो देखो कुछ आया है कि नहीं है? कुछ तो आया, लेकिन जानवर वानवर का आवाज लगा। अरे जानवर का आवाज है, किधर से आ रहा आवाज? कुछ भी आवाज आ रहा है, दिखा, इधर ही साइड से। हाँ आया 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 ना, देखो आया आवाज, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। चाचू क्या बोल रहा हूँ मैं, ओ सुनो तो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया चाचू भाई, हम लोग को ना आधा एक घंटा हो गया यहाँ रुक के ना, अजीब अजीब भाई। देखो 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 आ रहा है, देखो नहीं सुनाई दे रहा है, दो दो तरफ से आ रहा है, कभी कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आवाज आ रहा है, मुझे तो इधर ही से लग रहा है। चाचू बहुत तेज प्यास लग रहा है, गला सूख रहा है। जब चालू कर दो है, नल चला दो, जैसे पी ले जा, ये नल है इधर भाई। सच में सबका गला सूख रहा, मेरा भी गला बहुत तेज सूख रहा कसम से। पानी पी लेते हैं यहाँ पे भाई, यही लाइट के सहारे हम लोग यहाँ पे आए भाई, और कोई भी लाइट नहीं जल रहा है यहाँ आजू बाजू। चाचू मैं क्या बोलता हूँ, चलो यहाँ से, बहुत मतलब अजीब सा यहाँ पे लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब सही नहीं लग रहा है यहाँ, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है। ये देखो 1:25 हो गए हैं रात को भाई, कम से कम हम लोग को आए हुए यहाँ 1.5 घंटे से ऊपर हो गया भाई। मैं तो बोल रहा हूँ चलो। ये देखो भाई घर से फोन भी आ रहा है भाई, ज्यादा रात हो गया ना, घर से फोन, मैं तो बोल रहा हूँ चलो, ये लो फोन आ रहा है तुम्हारा भाई। सच बताओ ना, बहुत अजीब अजीब आवाज आ रहा है यहाँ पे यार। कोई है? कोई है? अरे वो अंदर मत जाओ, मैं तो कहता हूँ अंदर मत चलो, कमरे में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बस हवा निकल गई, क्या बोलते हो अंदर आगे तक चला जाए? कोई खड़ा है क्या आगे? कहाँ देखो, अरे बाप रे, ए रुक जा, चला चला चला, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, चलिए बार बार कॉल आ रहा है। क्या हुआ चाचू? उधर से किसी आदमी का आवाज सुनाई दिया है, मुझे लग रहा है कोई गांव वाले, मतलब वो। अरे नहीं यार, गांव का कोई होता तो ऐसे थोड़ी ना बोलता है। क्या सुना, क्या सुना? अजीब टाइप में, जैसे रोने वाली आवाज हो रही। चलो रोने वाली, रोने वाली, रुक जा रुक जा, आराम से चलो, आराम से आराम से आराम से चलो। चाचू वो देखो बाइक गिरी हुई है। अरे बाप रे, ये देखो कैसे बाइक गिरी है, उठाओ भाई, ये देखो बाइक जो है गिरी हुई, उठाओ 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 उठाओ, उठाओ, उठाओ। उठी तो नहीं धस गया भाई? तेरी बाइक खड़ी है, मेरी बाइक कैसे गिरी है, उठाओ भाई। ये देखो मेरी बाइक गिरी हुई थी भाई, मिट्टी उट्टी भी तो नहीं वो हुआ है, कुछ नहीं हुआ यार। घुमाओ गाड़ी, घुमाओ जल्दी से, कैसे बाइक गिरा है, बाइक यहाँ से निकली है, बिल्कुल सेफ नहीं, बिल्कुल यहाँ से निकल रही है। चलो चलो चलो, पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो भाई, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। ये देखो टाइम भाई 2:39 हो रहा है,
फिर तो आवाज आ रहा है कुछ यार, चले चल चल। अभी तो चल रही थी सही से। ये देखो भाई बाइक नहीं फैसल की स्टार्ट हो रही भाई। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। देखो या? अरे यार तेल मिल रहा हुआ है यार। चालू कर हो जाएगा, हो सके ठंडा उंडा हो गया हो। हाँ क्या पता देखे, काफी टाइम से हो गया ना स्टार्ट। हो गया भाई स्टार्ट हो गया भाई। चल 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 फटाक से चलो। भाई घर पे पहुंच गया और सबका भाई गला ना बहुत तगड़ा वाला सूख रहा था जब से वहां पे थे। सब तगड़े वाली प्यास लगी थी सच में, पूरा गला सूख गया था। ला मुझे भी दे भाई ला। ये देखो भाई रात के 3:30 बज गए भाई। और भाई देखो बिजली उजली भी जा चुकी है, पता नहीं को घर पे आए ना उसके बाद बिजली चली गई भाई, तब से बिजली नहीं है भाई। थोड़ी देर और वहाँ रुके होते ना तो सुबह हो जाता भाई, लेकिन हम लोग को आना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ आवाज़ आ रहा था भाई। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।